दीपक भदौरी, और करते हैं खबरों की ओर। भाजपा के प्रदेश स्तर के शिवरतन शर्मा सहित पूर्व मंत्री केदार कश्यप, महेश गागरा सहित तमाम बड़े नेता दंतेवाड़ा पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 1 नवंबर तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। इस बार बीजेपी पिछले चुनाव से 4 गुना अधिक मतों से लेकर दंतेवाड़ा में वो कमल का परचम लहराएगी और बीजेपी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशियों में कई दावेदारों के नाम सामने आए हैं। पार्टी कैडर जिसका नाम तय करेगी उसे ही मैदान में उतारा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान शिवरतन शर्मा ने कहा है कि 8 महीने में भूपेश सरकार विफल रही। सरकार जन घोषणा पत्र पर किए गए किसी भी वादे को नहीं निभा पाई है। साथ ही शिवरतन शर्मा ने नरवा गुरबाबाड़ी योजना को विफल बताते हुए गौठानों के नाम पर फिजूल खर्ची और निष्फल काम बताया। पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की 20 सितंबर की बैठक है रायपुर में और उसमें नामों में विचार करके संसदीय बोर्ड को नाम भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड देगा। वो अच्छा कितने नाम गए संगठन? अभी तो कल बैठक है, जब बैठक होगी तो नामों पे चर्चा होगी। रायपुर में वैश्य समाज ने